देखिए जितने भी लोग कश्मीर से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब केपीडीसीएल ने आप लोगों को हिदायत दे दी है कि जितने भी लोगों ने अपना बिजली का बिल नहीं भरा है वो जल्द से जल्द अपने बिजली का बिल भर दे, क्योंकि अब ऐसी पावर जो है वो बिल्कुल डिस्कनेक्शन की जा रही है, ऐसी घरों की बिजलियां जो है वो काटी जा रही है जिन लोगों का बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल लंबे समय से पेंडिंग पड़ा है। देखिए अगर आपका भी बिजली बिल पेंडिंग पड़ा है तो आपके घर की भी बिजली काट दी जाएगी। ना ही सिर्फ बल्कि कश्मीर में हो रहा है ये, ऐसा जम्मू में भी हो रहा है। जम्मू की भी मैं बात करूं तो जम्मू में भी ऐसे कई घरों की बिजली कनेक्शंस को काट दिया गया है जिनका बिजली का बिल लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है। तो आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके बिजली के बिल पेंडिंग पड़ रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो बिजली विभाग ये सोच रहा था, ये डिसाइड कर रहा था कि जिन लोगों के बिजली के बिल पेंडिंग्स हैं उन लोगों को अल्टीमेटम टाइम दिया जाए, उन लोगों को इस चीज के लिए मैसेजेस भी जो है वो आ रहे होंगे कि आपका बिजली का बिल पेंडिंग है आप लोग भर दीजिए। पर बावजूद इसके भी कई लोग ऐसे हैं जो इन मैसेजेस को, इन चीजों को जो है मेल्स को बिल्कुल साफ तौर पर इग्नोर करते हैं और अपना बिजली का बिल नहीं भर रहे। आप देखिए बहुत से अधिकतम इलाके ऐसे हैं जहां पर स्मार्ट मीटर्स लग चुके हैं और बावजूद इसके भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों ने अपने लंबे समय से चल रहे पेंडिंग्स बिल को नहीं भरा है। पर अब साफ तौर पर केपीडीसीएल की मैं बात करूं, कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मैं बात करूं, तो आप लोगों को अब अपना बिजली का बिल भरना है वरना आपके घरों के जो बिजली के कनेक्शंस हैं उन्हें काट दिया जाएगा। अब दरअसल रिपोर्ट ये बताती है कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से ऐसा देखा जा रहा है, ऐसे कई घरों की बिजलियां काटी जा चुकी हैं जिन लोगों ने अपने बिजली के बिल नहीं भरे हैं। देखिए अगर आपने भी अपनी बिजली का बिल नहीं भरा है और लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है, काफी ज्यादा अमाउंट इस चीज का हो गया है, तो आप लोग भी जल्द से जल्द बिजली बिल भरे, क्योंकि अगर 10,000 या 20,000 के ऊपर हो जाता है, हर जगह अलग अलग जो है वो अमाउंट सेट किया गया है, पर अगर 10,000, 20,000 या उससे अधिकतम हो जाता है तो आपके घरों के भी बिजली कनेक्शंस को काट दिया जाएगा। अब ये चिंता की खबर है तमाम उन लोगों के लिए जिन लोगों का बिजली बिल पेंडिंग पड़ रहा है। अब मैं इसमें आप लोगों को ये भी बता दूं कि आप लोग अपनी कंज्यूमर आईडी डालकर, आप लोग अपनी इंस्टॉलेशन आईडी डालकर और अपना नाम पता प्रॉपर तरीके से भरकर आप लोग कुछ हद तक बिल भी जमा करा सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में बिल जमा करा सकते हैं। फर्ज कीजिए कि आपका बिजली का बिल जो है वो 10,000 आया है और आप एकदम से 10,000 नहीं जमा करा पा रहे हैं, आपने 5,000 जमा कराना है, 2,000 जमा कराना है, या फर्ज कीजिए आपने सिर्फ 1,000 रुपया जमा कराना है, तो आप लोग नॉर्मली गूगल पर जाकर बिल सहूलियत सर्च कर सकते हैं। बिल सहूलियत सर्च करने के बाद जो पहली वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो बिल सहूलियत की आएगी, उस बिल सहूलियत की वेबसाइट पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपका कंज्यूमर आईडी मांगा जाएगा, उसके बाद कंफर्मेशन के लिए दोबारा आपको कंज्यूमर आईडी भरना है, इसके बाद इंस्टॉलेशन आईडी जो है वो भरा जाएगा। इंस्टॉलेशन आईडी के बाद आप लोगों का नंबर और नाम नीचे भरना है और पे ऑफ अमाउंट यानी कि आप कितना अमाउंट पे करना चाहते हैं ये चीज आप लोगों को भरनी है। इसके बाद जैसे ही आप भर देंगे आप सबमिट कर सकते हैं। आप जिस भी तरीके से पेमेंट करवाना चाहते हैं, आप लोग जो है वो गूगल पे या फिर उसके किसी अलावा एम पे या किसी और तरीके से जो है पेमेंट करना चाहते हैं, आप लोग कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, जिस भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट कर सकते हैं और जितना अमाउंट आपने भरा है उतना अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा। और इसके बाद मैं आपको बता दूं आपका बिल, फर्ज कीजिए कि आपका 10,000 बिल है और अगर आपने जो है वो 1,000 रुपया जमा करा दिया है तो 9,000 आपका बैलेंस बच जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप इंस्टॉलेशन पर भी, अगर ईएमआई के तौर पर इंस्टॉलमेंट्स पर भी अगर आप बिल चुकाते हैं तो आपके लिए आसानी होगी और जल्दी से आपका बिल जो है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर आप हर महीने भी 2-3 हजार जितने भी आपके पास बचते हैं आप उतने जो है वो जमा कराकर बिल भरते हैं, तो इससे आप लोगों को राहत ये मिलेगी कि आपका बिल भी साथ साथ जो है वो वैल्यू कम होती जाएगी बिल की। यानी कि 10,000 है, आप थोड़े थोड़े कर जो है वो इंस्टॉलमेंट के तौर पर पैसे जमा करवाते हैं, उससे भी वो चीज कम होती रहेगी और आप लोगों को इससे बहुत मदद आएगी। देखिए काम की खबर है, इसे ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो लोग इतने आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं है कि एकदम से अपने बिजली का बिल भर सके, क्योंकि लोगों के सिर्फ 10,000 नहीं बल्कि रिपोर्ट्स में देखा गया है कि 70-80 हजार रुपए तक भी लोगों के बिल आए हैं। तो अब बिजली विभाग तो अपनी कार्रवाई कर रहा है, बिजली विभाग ये ड्राइव चला रहा है जिस ड्राइव में लोगों के घरों की बिजलियां काट रहे हैं, न सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू में भी। जेपीडीसीएल और केपीडीसीएल ये फिलहाल लगातार कर रहे हैं।
तो मैं आपको बता दूं अब आप लोगों को इसमें क्या करना है, किस तरह से शॉर्टकट से भी आप अपना बिल पे कर सकते हैं, ये जरूरी खबर आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। बिल सहूलियत ऐप से आप लोग अपना उतना भी बिल भर सकते हैं जितना आप भरना चाहते हैं, जितनी आपके पास इस समय क्षमता है। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप देखें अगर आपका बिल जो है अगर आप थोड़ा भी बिल भर देते हैं तो हो सकता है कि आपके जो टोटल अमाउंट है उससे कुछ अमाउंट कम हो जाए और आपका बिजली बिल जो है वो आपको मतलब बिजली कनेक्शन जो आपका काटा गया है वो आपको वापस मिल जाए। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कोई और तरीका पूछना चाहते हैं किस तरह से बिल पे कर सकते हैं, तो हमने आपको बताया है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखेगा, पूरी कोशिश करेंगे आपको उसका भी जवाब देने की, आपको सही गाइड करने की। तो बने रहे आगे।